हेलो एवरीवन, दिस साइड आशीष तमोरी एंड वेलकम टू माय गिटार ट्यूटोरियल। आज से आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आज से मैं आपको म्यूजिकल नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि म्यूजिकल नोट्स होते क्या हैं, म्यूजिकल नोट कितने टाइप के होते हैं, और गिटार में या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, जैसे मैं आपको पियानो में भी बताऊंगा, वो नोट्स अरेंज कहाँ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि म्यूजिकल नोट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में अगर बताने की कोशिश करूं कि म्यूजिकल नोट्स क्या होते हैं, तो म्यूजिकल नोट्स के कॉम्बिनेशन से, म्यूजिकल नोट्स एक ऐसी चीज है जिनके कॉम्बिनेशन से और म्यूजिक क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। म्यूजिकल नोट्स एक ऐसी चीज है जिनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, म्यूजिक में टोटल कितने नोट्स होते हैं, तो म्यूजिक में टोटल मिला के 12 नोट्स होते हैं। कितने? 12, ठीक है। थोड़ा सा नाम देख लेते हैं इन नोट्स का, कि इन नोट्स का नाम क्या होता है। तो म्यूजिक में पहला नोट होता है ए, देन सेकंड नोट बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ये कितने नोट्स हुए? ये अभी मैंने आपको बताए कितने नोट्स, 7 नोट्स। तो मैंने आपको कितने नोट्स बताए थे? 12 नोट्स। और जिसमें से 7 नोट्स कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अब ये 5 नोट्स और कौन से होते हैं? तो इन नोट्स को देखने के लिए हम लोग अब देखेंगे पियानो में। तो आइए देखते हैं पियानो में म्यूजिकल नोट्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, बिकॉज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नोट्स अरेंज होते हैं वो पियानो में ही होते हैं। तो आप एक बार पियानो के थ्रू आप उन नोट्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए, पियानो के थ्रू उन नोट्स को एक बार देखने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए गिटार में भी काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि म्यूजिक में टोटल 7 नोट्स होते हैं। कितने? 7 नोट्स, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। जी के बाद दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। तो टोटल कितने नोट्स हुए? 7 नोट्स हुए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पियानो में वो नोट्स कहाँ अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पियानो में दो टाइप की कीज हैं, पहली वाइट कीज, ओके, एंड सेकंड आर ब्लैक कीज, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले वाइट कीज के बारे में बताता हूं कि वाइट कीज में कौन कौन से नोट्स हैं हमारे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि मेरा ए नोट कहां पे है। दिस इज माय ए नोट, इसके जस्ट बगल में है मेरा बी नोट, देन सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अब दोबारा से ए आ गया ये, ठीक है। ये दोबारा से आपका कौन सा नोट आ गया? ए। ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, देन दोबारा से ए, बी, सी, डी, ठीक है, और आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, दिस इज माय ए नोट, ए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब दोबारा से कौन सा रिपीट हो जाएगा? ए, ठीक है। बट आपने देखा होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक ये ब्लैक की आ रही है, ठीक है। आपने, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से कि ए और बी के बीच में एक ये ब्लैक की है, ठीक है। तो इस ब्लैक की को ये ए के जस्ट बाद आ रही है, ठीक है। तो इस ब्लैक की को, इस ब्लैक की को मैं ए शार्प भी बोल सकता हूं। इस ब्लैक की को मैं, ये ए के तुरंत बाद आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ए शार्प, ठीक है। ए, ए शार्प, देन बी, ओके। अब बी के बाद बीच में कोई की आ रही है? नहीं आ रही है कोई की। तो बी के बाद तुरंत कौन सा नोट आ जाएगा? सी, ओके। तो मेरा ए, बी, सी, और ए और बी के बीच में मेरा कौन सा नोट आ रहा है? दिस इज माय ए शार्प, ओके। तो ये सी, अब सी के बाद ये मेरा डी है, दिस इज माय डी, बट इन दोनों के बीच में कौन सा नोट आ रहा है? ये एक ब्लैक की आ रही है, बट ये सी के तुरंत बाद आ रही है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मैं बोलूंगा सी शार्प। क्या बोलेंगे? सी के तुरंत बाद आ रही है तो इसे बोलेंगे सी शार्प, ठीक है। इसके बाद है मेरा डी, तो डी के बाद ई, अब देखो डी और ई में भी एक ब्लैक की आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? डी शार्प, क्योंकि ये डी के तुरंत बाद आ रही है, ठीक है।
ई के बाद क्या आ जाता है, तुरंत एफ आ जाता है, बीच में कोई की नहीं है, यानी कि ई शार्प कोई नोट नहीं होता, ठीक है। ई के बाद तुरंत क्या आ जाता है मेरा, एफ, ठीक है। अब एफ और जी, इसके बीच में भी ब्लैक की आ रही है, यानी कि ये मेरा एफ है, तो ये मेरा कौन सा होगा, एफ शार्प, ठीक है। दिस इज माई जी, देन दोबारा से ए मेरा आया, बट जी और ए के बीच में एक ब्लैक की आ रही है और वो जी के तुरंत बाद आ रही है, देन दिस इज माई जी शार्प, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से सारे नोट्स बताता हूं, बीच वाले नोट भी बताता हूं। दिस इज माई ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, देन अगेन ए, ओके। तो टोटल मिला के कितने नोट्स हैं हमारे पास, टोटल मिला के 7 नोट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, बट 5 नोट्स के हमारे पास शार्प भी है। कौन से शार्प, जैसे पहला शार्प है ए शार्प, देन दूसरा शार्प आपको मिलेगा सी शार्प, बी शार्प कुछ नहीं होता, ठीक है, सी शार्प, उसके बाद आपको मिलेगा डी शार्प, उसके बाद आपको एफ शार्प, उसके बाद आपको जी शार्प। तो टोटल हमारे पास कितने नोट्स हैं, 7 नोट्स तो प्योर नोट्स बोल सकते हो आप, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब इनके बीच में ये जो ब्लैक कीज आ रही हैं, ये क्या है, कुछ शार्प्स हैं, क्या शार्प, जैसे दिस इज माय ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ठीक है, आपको सिर्फ ये शार्प मिलेंगे। तो अगर हम इस पूरे में देखें, इस ए से लेके और इस वाले ए तक देखें, इस ए से लेके इस वाले ए तक देखें, तो टोटल कितनी कीज आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अब 12 में 7 तो आपके प्योर नोट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, और 5 कौन से नोट्स हैं, 5 आपके नोट्स हैं शार्प, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प और जी शार्प, ठीक है, 5 आपके शार्प नोट्स हैं। तो टोटल मिला के आपके कितने नोट्स हो गए, 12 नोट्स, कितने, 12 नोट्स, जिसमें से 7 योर प्योर नोट्स एंड 5 आर शार्प नोट्स, ठीक है। अब एक चीज और बताने वाला हूं, इन शार्प नोट्स को हम फ्लैट नोट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्लैट नोट। ये कीज ए से बाद में आ रही थी, इसलिए हमें, हमने इसे क्या बोला था, ए शार्प। ये कीज, ये वाली की बी से पहले आ रही है, तो इसे हम क्या और क्या बोल सकते हैं, बी फ्लैट, क्या बोल सकते हैं इसे हम, बी फ्लैट, ठीक है। अब जैसे ये की, ये की, ये ब्लैक की सी के बाद आ रही थी, तो इसे हम, हमने क्या बोला था, सी शार्प। अब ये की डी से पहले भी आ रही है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डी फ्लैट, ठीक है, सेम इसके साथ होगा, ये डी शार्प है बट ये ई से पहले आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई फ्लैट, इसे हम ई फ्लैट भी बोल सकते हैं और डी शार्प भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये भी है, ये एफ शार्प है, इसे हम जी फ्लैट भी बोल सकते हैं। अब ये मेरी जो की है, वो मेरी जी शार्प भी है और ए फ्लैट भी है, ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखना कि ए के बाद, ए के बाद तुरंत बी नहीं आता है, उन दोनों के बीच में एक नोट और होता है, कौन सा, ए शार्प या फिर बी फ्लैट, ठीक है, पर बी के बाद तुरंत सी आता है, उनके बीच में कोई नोट नहीं होता, सी के बाद डी तुरंत नहीं आता, उनके बीच में एक नोट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सी शार्प या फिर डी फ्लैट, ठीक है। ऐसे ही डी और ई के बीच में डी शार्प या फिर ई फ्लैट, ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं आता, ठीक है, एफ और जी के बीच में कौन सा नोट आता है, एफ और जी के बीच में नोट आता है एफ शार्प या फिर डी फ्लैट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट टू स्ट्रिंग पे कौन से नोट्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन बजाएं, अगर हम फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन बजाएं, तो इस पर प्ले होगा ई नोट, कौन सा, ई नोट, यानी कि जीरोथ फ्रेट पे, इसीलिए इस स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है ई स्ट्रिंग, क्योंकि इसको जब हम ओपन बजाएंगे तो कौन सा नोट प्ले होगा, ई नोट, ठीक है। और अगर हम सेकंड स्ट्रिंग को ओपन बजाएंगे तो इस पर कौन सा नोट प्ले हो रहा है, बी नोट, क्यों, क्योंकि सेकंड स्ट्रिंग का नाम क्या है, या फिर ये कह सकते हो कि सेकंड स्ट्रिंग को क्या नाम दिया है इसके बेसिस पे, बी स्ट्रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे ऑल नोट्स देखते हैं, तो सबसे पहले जीरो फ्रेट पे ई नोट, उसके बाद फर्स्ट फ्रेट पे ई के बाद कौन सा आया था, पियानो में एफ,
देन उसके बाद फर्स्ट फ्रेट पे एफ नोट, देन सेकंड फ्रेट पे एफ शार्प, देन जी शार्प, देन ए शार्प, देन बी। अब बी के बाद बी शार्प आएगा नहीं, क्या आ जाएगा तुरंत सी, देन सी शार्प, देन डी, डी शार्प, ई, देन दोबारा से रिपीट हो गया ई। ई कौन सा आ रहा था, एक ये अब दूसरा ई कौन सा है, ये एक ई कौन सा आ रहा था, ये दूसरा ई कौन सा है, वो कौन सा है। देखो इसकी ना इसके अब यहां पे ये जो दो ई है, ये जो दो ई है, एक ये और एक ये, इसमें किस चीज का डिफरेंस है, दोनों है ई पर डिफरेंस है पिच का, ये है लो पिच, ये है हाई पिच, लो पिच हाई पिच, दोनों नोट कौन से हैं ई, बट एक है हाई पिच का एक है लो पिच का, ठीक है। तो जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं पिच हमारी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रिंग की, सेकंड स्ट्रिंग पे कौन कौन से नोट्स होते हैं। तो अगर हम इसे ओपन बजाएं, जीरो फ्रेट पे बी, फर्स्ट फ्रेट पे सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी। रिपीट हो गया बी, तो वो बी जो हम ओपन बजाएंगे वो होगा हमारा लो पिच का और ये भी होगा हमारा हाई पिच का। नोट सेम है बट किसका डिफरेंस है, पिच का, लो पिच भी हाई पिच, लो पिच हाई पिच। और बी के बाद क्या आएगा यहां सी, क्योंकि बी के बाद बी शार्प तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा सी, देन सी शार्प, देन डी शार्प, ठीक है। तो आपको दो स्ट्रिंग पे नोट्स पता चल गए, कौन से स्ट्रिंग पे कौन सा नोट्स होता है, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इन दोनों स्ट्रिंग पे क्या सिखाऊंगा, एक प्यारी सी मेलोडी, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं एक मेलोडी के साथ, ठीक है। बाय बाय।